देखिए बात सुनिए, लगभग 5,000 लोगों को सरकार बनते ही उनको निकाल दिया गया। राजीव गांधी युवा मित्र काम क्या कर रहे थे? सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे थे, घर घर पहुंचा रहे थे। नई गवर्नमेंट आ गई है मान लो, तो भी वही वही काम करते हैं। नई गवर्नमेंट जो काम देती वो करते हैं। अब उसके बाद में कुछ बिना सोचे समझे आप लोगों ने उन बेचारों को घर बैठा दिया। नौजवान वो लोग हैं, क्या उनके परिवार बीतर ही होगी? और आप बताइए मुझे, भैया राजीव गांधी के नाम से आपको तकलीफ है, आप मोदी के नाम से कर लेते और किसी नाम से कर लेते, तो आप इस प्रकार से उनको घर बैठा दो, ये कहाँ के न्याय है? धरना दे रहे हैं उनको, बार बार पुलिस तंग कर रही, उठा रही उनको। और तो और आपके जो इनकी पार्टी के मंत्री जी हैं, जो जिंदगी में धरने देते रहे वो, और अब उनके घर पे महिला चली गई राजीव गांधी युवा मित्र की, उनको रात को घसीट घसीट कर ले गए, पुरुष कांस्टेबल ले गए उनको। अभी कौड़ी मीणा जी जो है, कितने धरने दिए उन्होंने जिंदगी के अंदर हमारे वक्त में, हर बात में धरना देते थे वो, उनके घर पे धरना लग गया और वो पुलिस जाकर के घसीट घसीट कर महिलाओं को ले आ रही है। तो वही करोड़ी मीणा जी को मैं कहना चाहूंगा, भाई आपसे तो उम्मीद नहीं थी, और आपके मंत्री में रहते हुए ये कैसे इनको निकाल दिया गया, इसका जवाब दे। वो इसका जवाब दे, इस नौजवान अवसाद में आके मर गया बेचारा, कोई सहानुभूति नहीं, कोई मंत्री उनके घर तक नहीं गया पूछने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? ऐसी सरकार जो असंवेदनशीलता बरत रही, अभी से ही अभी तो शुरुआत हुई है। हम सब उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से, नए प्रथम बार MLA बने हैं, उनको मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, तो वो इस प्रकार से संवेदनशीलता से काम करेंगे। तो मैं बहुत दुख है, इसलिए हम उनके घर जा रहे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। और हमने कहा है कि इस संघर्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग साथ रहेंगे, इन सब युवाओं के साथ रहेंगे। सूर्य नमस्कार आज हुए हैं स्कूलों में, पहली बार सरकार ने। नमस्कार सर, किसान आंदोलन पर सर मुस्लिम ग्रुप काफी नाराज है सूर्य नमस्कार को लेकर। किसान आंदोलन जो है ये भी भारत सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। आजादी के बाद में मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा किसानों का संघर्ष हो, 700 किसान मारे जाए, सरकार को झुकना पड़े, झुक करके उसको रोक दिया गया उस वक्त में। क्या साल भर में इनको मतलब इतना वक्त नहीं मिला उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते? दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। आज देश पूरा उनके प्रति सहानुभूति रखता है। हम कहते अन्नदाता हमारे हैं, अन्नदाता का ये व्यवहार होता है क्या? और जब मोदी जी खुद थे मुख्यमंत्री तब मांग करते थे UPA गवर्नमेंट से MSP के लिए कानून बनाओ कानून बनाओ। आज वो खुद प्रधानमंत्री बने हैं, उनको स्पष्ट कर देना चाहिए देश को कि मैं उस वक्त क्या कहा करता था, क्यों कहा मैंने, आज मेरी क्या मजबूरी है। वो बात वो नहीं कर रहे हैं, तो ये अप्रोच ही गलत है इन लोगों की। और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली किसान को न्याय मिलकर रहेगा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। सोनिया गांधी जी ने एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है कि मैं अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने राज्यसभा से नामांकन भी किया है राजस्थान से। सोनिया गांधी जी का हम तो कल कह चुके हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान से राज्यसभा मेंबर बनने का निर्णय करना ही स्वागत योग्य है। लंबा समय से मैं देख रहा हूँ उनको, किस प्रकार जब राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री सबसे वो रिश्ता था राजस्थान के साथ में, वो आप सबको मालूम है, चाहे सूखा अकाल पड़ा हो आदिवासी में जाने के बाद, तो सुख में दुख में हमें साथ दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम सब की रिक्वेस्ट थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया राजस्थान के अंदर। वो तो कहीं से भी बन सकती थी राष्ट्रपति मेंबर, यहाँ उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए हमें उनका धन्यवाद भी करते हैं।